हेलो नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल बड़ी खबर के दौरान एक सरकारी स्कूल की छात्राओं से छेड़छाड़ और गलत वारदात को अंजाम देने के आरोपी हेडमास्टर ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने कहा है कि गलत वारदात को अंजाम देने से पहले वह मूवी देखता था और मूवी देखने के बाद ही वह उनको बुलाता और गलत वारदात को अंजाम देता था। यह पूरा मामला राजस्थान के डूंगरपुर जिले के एक सरकारी स्कूल से निकल कर आ रहा है, जहां पर वह इस बारे में किसी को नहीं बताएं इसके लिए उनको चॉकलेट और चिप्स का लालच देता था, और अगर चॉकलेट और चिप्स से नहीं मानते थे तो धमकाता था। आरोपी हेडमास्टर के रिमांड अवधि पूरे होने पर सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया और 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है। SP कुंदन कुमारिया ने बताया कि आरोपी हेडमास्टर रमेश चंद्र कटारा ने 18 से 12 वर्ष से ही बड़ी घटना को अंजाम दिया है। ये ज़्यादातर सोच समझ में ज़्यादा सहपूर्ण नहीं है और इसीलिए आसानी से वह घटना को अंजाम देता था। स्कूल में छुट्टियां होने के बाद भी खेलने के बहाने बुलाता था और इसके बाद स्कूल में बैठाकर घर पर ले जाता और बड़ी घटना को अंजाम देता था। आरोपी ने बताया कि उसके 2 घर हैं, एक घर में उसका परिवार जबकि दूसरा खाली पड़े रहता है, जहां पर ही वह ले जाकर बड़ी घटना को अंजाम देता है और वहां पर चॉकलेट चिप्स और बिस्किट देने के बहाने उन्हें लालच देता था और इसके बाद कईयों को वह रुपये देकर भी उन्हें चुप करा देता था। लेकिन आए दिन परेशान होने के बाद अब उन्होंने अपने घर पर इस घटना की जानकारी दी है तो मामले का खुलासा हुआ है और हेडमास्टर को हिरासत में लेकर रिमांड अवधि चल रही है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।